लुगेस मैं खुशीरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। अविनाश को क्या लग रहा है कि बाहर की जनता जो है आंखें बंद करके बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 देख रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है अविनाश मुंह पे मीठा पीछे कड़वा बन रहा है। जहाँ पर अभिषेक को बोलता है कि तू मेरा भाई है, वहीं पर पीठ पीछे जो है उसकी हंसी मजाक वाली बातों को भी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि एक्चुअली में उसका नेचर ही ऐसा है। जहाँ पर मजाक में अभिषेक ने बोल दिया था कि आपको तो गार्डन साफ करना है, वो बोला कल करूंगा, तो फिर तो आपकी वाट लगेगी भाई, ब्रो आपकी तो वाट लगेगी। ये लड़का लड़कों की बातें होती है, मस्ती मजाक चलता है, बट इस बंदे ने इस चीज को इतना नेगेटिव लिया जो कि बात जो है मनीषा के जरिए अभिषेक तक पहुंची। अभिषेक ने ये बात क्लियर करना चाहा कि भाई मैंने तो तुम्हें मजाक किया था, तुमने ये बात को टोंड क्यों ले लिया। अविनाश को जब पता चला कि भाई इसको पता चल गया है मैं जिम करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं उस वक्त कुछ नहीं बोलता हूँ, उसके बाद मुझे लगा तो मैं तो बोलूंगा ही ना, तुम लोग अगर ऐसा बोलोगे तो उसका रिप्लाई भी तो मिलेगा ही ना, उसका एक्चुअली में रेपोक्रेशन भी तो होगा ही ना, तुम लोग कैप्टन हो तुम कुछ भी बोल दोगे तो वो तो लगेगा ही ना, टोंड के जैसा ही लगेगा ना, मुझे लगा तो मैंने बोला। जहां पर चढ़के बात कर रहा है, फालतू का चढ़के बात कर रहा है, वहां पर अभिषेक की टोन इतनी लो है। इस बंदे की जो बंदा गलत होता है ना वो चिल्लाना ज्यादा जानता है, जो बंदा सही होता है ना उसको पता है कि भाई सबको पता है कि आखिरकार कौन सही है कौन नहीं है। अभिषेक ने बीच में बोल भी दिया, ठीक है ब्रदर अगर आपको मतलब कि ऐसा लगता है तो फिर मैं आपको सोच समझ के मजाक करूंगा, उसके ऊपर भी चढ़ गया। अच्छा ऐसा है वैसा है, ऐसा थोड़ी ना होता, तुमने सुनना नहीं है, तुमने ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, बकवास आदमी। इसको ऐसा लगता है कि भाई किसी और को दिखाई नहीं दे रहा, बिग बॉस देखने वाले लोग आंखें बंद करके देख रहे हैं, बस यही सच्चा आदमी है। तो ये तो एक्चुअली में वीक कंटेस्टेंट है ही ना, जो अभिषेक ने बोला था वो भी बातें इनके मन में है। ये और फलक ना सच में एक जैसे हैं, इसीलिए ये दोस्त है। आपका क्या कहना है बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।